आपके साथ। झारखंड प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन के माननीय प्रेसिडेंट सचिदानंद सिंह, संजय पांडे वाइस प्रेसिडेंट, संजय सिंह वाइस प्रेसिडेंट, गोपाल यादव सेक्रेटरी, दीपक ओझा सेक्रेटरी, राजेश कुमार कोषाध्यक्ष, हरेंद्र कुमार सह कोषाध्यक्ष एवं प्रसन्नजीत बनर्जी एवं एसोसिएशन के अन्य सदस्यगण बस परिचालन में होने वाली समस्याओं के निदान को लेकर जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप कुमार जी से मिलने पहुंचे और उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। एसोसिएशन द्वारा दिए गए आवेदन में उन्होंने अपनी समस्या को बताते हुए बताया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक बहुत समय से नहीं हुई है, जिस कारण परमिट संबंधी कार्य रुके हुए हैं, जिसके कारण बस मालिकों को परिचालन में कठिनाई हो रही है। साथ ही एसोसिएशन के सदस्यगण ने आग्रह करते हुए कहा कि बिना परमिट वाले स्पेयर बसों का कोरोना काल में अपरिचलित अवधि का कर माफी नहीं होने से कर अद्यतन नहीं है और कर अद्यतन नहीं रहने के कारण अन्य कागजात भी अद्यतन नहीं हो रहा है। फलस्वरूप बिना परमिट वाले स्पेयर सभी बसें अपरिचलित थे, जिसके चलते बिना परमिट वाली बसों के स्वामी आर्थिक और मानसिक परेशानी से ग्रस्त थे। अंत में जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप कुमार जी से एसोसिएशन के सदस्यगण ने आग्रह करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी योजना के तहत द्रुतगामी सेवा के लिए परिचालित एसी बसों की आयु 7 साल से बढ़ाकर 9 साल करने और अंतरजातीय मार्गों पर परिचालन के लिए मंजिल बसों की आयु 12 साल से बढ़ाकर 14 साल करने की कृपा प्रदान करें। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।